देखिए, गत 21 अगस्त को थाना विजयनगर में हाईवे पे पिस्तौल दिखा के एक भैंस के कारोबारी थे नदीम, उनके साथ लूट की घटना हुई थी, जिसमें कि लगभग 23 लाख रुपए उनकी स्कूटी में रखे हुए थे, पूरी स्कूटी लूट ली गई थी। इसमें तत्काली हमने टीम्स बना ली थी, इसमें आज हम लोग को सफलता हासिल हुई है। लगभग 11 बजे हमने इसमें 6 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए हैं। अभियुक्त तो क्या प्रोफाइल है सर, क्या काम ये अभियुक्त करते थे और किस तरीके सर इस प्लानिंग को लूटने घटना की प्लानिंग को अंजाम दिया गया? देखिए, इसमें जो स्प्लेंडर बाइक जो इस्तेमाल हुई है उसमें 3 लोग सवार थे, जिनका नाम अभय है, तुषार है और साथ में नितिन है। इन लोगों ने पिस्टल और चाकू दिखाकर इनका लूट कारित करी थी और इनको बैकअप देने के लिए थोड़ी दूर 200 मीटर पीछे एक स्विफ्ट गाड़ी में 3 लोग थे, जिसमें जिनका नाम धीरज, गौरव और अरुण कसाना है। ये लोग पीछे इनको बैकअप का सपोर्ट दे रहे थे और इन लोगों ने घटना करने के बाद वो जो स्कूटी छोड़ी थी उसके बाद इन्होंने ऑटो में बैठ के बस से ये लोग अपने अपने घरों को निकल गए थे और बाद में इन लोगों ने बाद में एक जगह मिलके इन लोगों ने अपने पैसे का बंटवारा भी करा था। पहली बार सर इन्होंने इस तरह की लूट की घटना को अंजाम दिया, क्या मोटिव रहा था, क्या नीड थी इनको, किसी ने कुछ बताया पुलिस को साथ? और सर नदीम को ही क्यों टारगेट किया गया, क्या कुछ रेकी की गई थी? देखिए, गौरव ने पूछताछ में बताया है कि लगभग 2.5 महीने पहले इनके दोस्त विशाल हैं, उनके घर में एक दावत थी जिसमें इनको मॉन्टी नाम के लड़के मिले थे, जिसने पूछताछ में बताया कि पहले ये इस तरह के जो पैसा होता है मुर्गा मंडी से कैश का ट्रांजैक्शन का काम करा करते, जिनको 25,000 रुपये वेतन मिलता था, उसके बाद ये मेडिकल स्टोर चलाते हैं। तभी से इनको ये आइडिया मिला था कि यहाँ पे कैश का ट्रांजैक्शन होता है और कुछ परसेंटेज पे ये पैसे का ट्रांजैक्शन एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं। तभी गौरव ने अपने मित्र अरुण को बुलाया और विशाल और हर्ष के साथ मिलकर ये प्लानिंग बनाई थी। तो इन लोगों ने धीरज के साथ ये गाड़ी में एक दिन रेकी करी, पहले एक दिन पहले रेकी करी और उसके बाद इनको ये पता था कि लगभग 2 बजे के आसपास यहाँ पे जो भी व्यक्ति जाता है खाली बैग लेके जाता है और उसके बाद जब वो 3, 3:30, 4 बजे निकलता है तो भरा हुआ बैग होता है और संभवतः इसमें कैश रहता है। तो इन लोगों को नदीम से कोई इनका सीधे परिचय नहीं था, इनको हमको कोई ऐसा दोनों पार्टीज़ के बीच में कोई इंटरलिंक नहीं मिला है। इन लोगों ने रैंडमली इसको प्लान करा था और पीछे से ये पूरा सपोर्ट दे रहे थे, फोटो खींच के इन्होंने स्कूटी की जो बाइक पे जो ये लूट करने वाले थे उनको फोटो खींच के भेजी थी स्कूटी की, जिसका पीछा करना था और उसके बाद इन लोगों लूट करने के बाद अपने अपने घरों पर निकल गए। सर, पुलिस किस तरीके से इनकी पहचान कर पाई और किस तरीके से गिरफ्तार की गई? देखिए, हम लोगों ने अपनी मैनुअल सर्वेलेंस की टीम लगा रखी थी, साथ ही साथ हम लोग सीसीटीवी फुटेज देखे हैं, जितने भी रूट था हम लोगों ने उसको ट्रेस करा और उसके बाद इनको हम सफलता हासिल की। सर, 21 तारीख से बैकग्राउंड क्या था, जो गैप था, ये लोग कहाँ रहे, किस तरह से जो अमाउंट है इनके पास है, कितना बरामद किया गया है, उसके बारे में? देखिए, इन लोगों ने जब लूट का इनको पैसा मिला था उसके बाद इन्होंने पैसा बांटा था, ये लोग जगह जगह घूमने निकल गए थे, इन लोगों ने टैक्सी करी, कुछ शॉपिंग भी करी है, इन लोगों ने 2 सेकेंड हैंड मोबाइल भी खरीदे थे, साथ ही साथ कुछ शॉपिंग करी, कपड़े और जूते भी खरीदे थे। सर, इनका बैकग्राउंड क्या है? इसमें ज़्यादातर इसमें ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएट हो चुके हैं, इसमें सभी लोग लगभग जॉब कर रहे थे और कुछ लोग बिजनेस भी अपना कर रहे हैं। अच्छा, पिस्टल सहित चाकू, पिस्टल, तबंचे सहित कई सारे हथियार इनसे बरामद किए गए हैं, तो क्या कोई ये गैंग चला रहे थे या पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं ये अंजाम दे चुके थे क्या? देखिए, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, पहले इसमें कुछ लोग हैं 307 की धारा में जेल भी जा चुके हैं, इसमें एक नितिन नाम के हैं जो कि डकैती और लूट के प्रयास में भी पहले किला परीक्षकगढ़ से जेल गए हैं, साथ ही साथ जो पिस्टल का जो दर्रा की पिस्टल इन्होंने इस्तेमाल करी है, कंट्री मेड वेपन है, इन्होंने प्रिंस नाम का एक लड़का है टीपी नगर मेरठ का रहने वाला, उससे उन्होंने खरीदी थी और उसके बाद इन्होंने घटना कारित करी है। घटना की सफल अनावरण के लिए सर टीम को कितना इनाम मिला गया डीजी? डीजीपी सर की तरफ से पूरी टीम को घटना के सफल अनावरण के लिए 25,000 रुपये का इनाम दिया गया। क्या है सर, कोई फरार भी है क्या इनके कोई सफल? इसमें 2 अभी वांछित है, इसमें विशाल और हर्ष नाम के जो व्यक्ति हैं जो प्लानिंग में मौजूद थे ये अभी वांछित है और ये घटना क्योंकि पीछे इसमें एक गाड़ी में पीछे 3 लोग साथ में सपोर्ट देने के लिए चल रहे थे तो इसको घटना को ये डकैती मानी जा रही है। ये सब मेरठ के मूलतः रहने वाले हैं, कुछ ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति है इसमें जो कि अभी वर्तमान में दिल्ली में रहता है।